सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंगलवार को एडीजी जोन अखिल कुमार ने गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर का और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीजी जोन ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि छठ पर्व आस्था का महापर्व है, जिसके दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख स्थानों तथा मंदिरों का निरीक्षण किया गया है तथा सभी अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा किया गया। एडीजी जोन ने बताया कि छठ पर्व पर सड़कों पर भीड़भाड़ होने की वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा अंजनी कुमार पांडे, थाना प्रभारी गोरखनाथ रामाज्ञा सिंह सहित पुलिस के अन्य जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, लेकिन शाम को भी आएंगे पूजा के बाद। बहुत लोग रवि से यहाँ पर रात को स्टे भी करते हैं। अच्छा, रहते कहाँ हैं इसके अंदर? सर यहाँ यहाँ अगर पीछे साइड को आते हैं चारों ओर से भी भीड़ आएगी अपने हिसाब से। सिर्फ इसी पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे रहते हैं और इसमें बीच में सर जल पी एस सी एन डी आर में रहती हैं, जो लगातार करती रहती है, अलर्ट भी करती रहती है, साथ में दो लोग करते रहते हैं और अन्य लोगों के स्थान पर बीच का ये दो साल पहले सफाई करवाई थी। अच्छे लोग करने के लिए भी टूट जाते हैं इसमें, यहाँ स्थानीय जो बोटिंग कराते हैं वो लोग भी अपने लाइफ जैकेट के साथ इसी पर बसते रहते हैं। चारों कोनों में कर दिया जाता है नाव। इस मंदिर में पूजा भी होती है? ये छठ माता मंदिर है सर, गंगा मंदिर और छठ माता मंदिर। तो यहाँ अरेंजमेंट में तो कोई प्रॉब्लम बन नहीं रहा सर? यहाँ पर अंदर जाने का, अब इसमें महिलाएं बैठी रहेंगी, वो रास्ता केवल खाली रहेगा सर, बाकी रास्ता छोड़ ये जो ये पट्टी पड़ा है ये बीच का खाली रहेगा, इसमें केवल ड्यूटी वाले रहेंगे और जो माताएं उधर अपने मंदिर के विद्यापीठ के आचार्य बाकी अपने सर ज़्यादा काम करते हैं। अपने करीब ग्रुप महिला कांस्टेबल महिलाओं ज़्यादा हर जगह रहती हैं, प्लस परिवार के लोग भी रहते हैं। अच्छा, महिलाओं को उनके साथ बस एक ही आदमी दो आदमी अलाउ किया जाता है तो वो स्थिति मेंटेन रहती है, तो ज़्यादा अगर लोग हो जाते हैं तो और भी बाकी लोगों को घर रोक दिया जाता है। पचास किलो बच्चे जितना ज़्यादा फील हो जाती है पाँच किलो में लाने के लिए इसके लिए यहाँ तो आना है सबको और उधर बेली जिनकी बनी है तो वो यहाँ आते हैं, इसीलिए उनके लिए रास्ता। ऐसा कभी कोई दुर्घटना कभी ना ऐसा कुछ नहीं देखना है कि लोग कई बार लोग स्विमिंग करने लग जाते हैं और स्विमिंग निकल जाता है कल ऐसा आपको भरता नहीं था लगाओ समझ लाओ नहीं बहुत पसंद जाइए खाली रहेंगे।
उसकी बारी भी बल्कि बोल रहे थे लोग गजेंद्र सिंह की है आप इस बाजी के लिए कर दिया जाए, तो हमने कहा कि नहीं करें। तो रस्सी बांधा गया है, वो दो पहिया वाहन स्टैंड है, वहाँ से देखा जाएगा तो बैरियर भी पास पास के साथ साथ जो बैरियर लगवा देंगे ताकि उधर हर साल होता रहे। हाँ जी, हर साल यहाँ होता है एक प्रोग्राम, यहाँ मंच लगा के करते हैं लोग, तो उनका एरिया वहाँ दे दिया जाता है और फ्री में चाय और हलवा वलवा का व्यवस्था करते हैं। देखिए छठ पूजा जो है आस्था का महापर्व माना जाता है और उसको दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग जहाँ जहाँ प्रमुख स्थान है उसका भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। उन प्रमुख स्थानों में मंदिर में एक कार्यक्रम होता है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, छठ पूजा करते हैं, आज से ही लोग आना शुरू हो गए हैं, तो उसी व्यवस्था की समीक्षा करने आए थे कि क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या हम और बेहतर कर सकते हैं कि मिनिमम पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो और व्यवस्था हमारी बेहतर हो सके, इसी क्रम में यह भ्रमण किया गया था। सभी से वही वार्ता, उनसे समीक्षा की गई, क्या व्यवस्था पूर्ववर्ती वर्षों में रही है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस वर्ष क्या व्यवस्था है, उस पर चर्चा किया गया। मुख्यतः पौंड है उसमें जहाँ गोताखोर की व्यवस्था या पानी में जल पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहता है तो महिलाओं की नियुक्ति, क्योंकि छेड़खानी की घटना इत्यादि की भी रहने की संभावना, कुछ लोग पटाखे चलाते हैं इस पर्व में और आसपास दुकान है तो उसमें सतर्कता रखने की ज़रूरत है, फायर टेंडर्स व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को एरियल पटाखे जलाने से मना किया गया है उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, चूँकि भीड़ भाड़ रहेगी सड़क पर तो ट्रैफिक इत्यादि भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इन सबको देखते हुए करेंगे। वैसे इस त्यौहार में एक बहुत कन्फ्रंटेशन नहीं होता, काफ़ी लोग स्वयं ही सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो ठीक ढंग से ये मना ली जाएगी।